बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ा उसमें हमने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग के बारे में पढ़ा, उसके डिफरेंट काइंड्स के बारे में पढ़ा, जो कि हमने सारी की सारी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने पढ़ना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। स्टूडेंट, हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का डिस्कस किया था कि पर्सनल जजमेंट जो है वो डिटरमाइन करती है कि हमने कौन से यूनिट्स एज अ सैंपल जो है वो सेलेक्ट करना है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम क्या कहते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल और नॉन रैंडम सैंपल इज़ आल्सो कॉल्ड अ जजमेंट सैंपल। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है, नॉन रैंडम सैंपल होता है, उसको हम जजमेंट सैंपल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नॉन रैंडम सैंपल्स हमारे पास क्या आ जाती हैं, वो दो ही हैं, परपोजिव सैंपलिंग एंड कोटा सैंपलिंग है, जिसमें हमारी अपनी पर्सनल जजमेंट यूज़ हो रही होती है। अब परपोजिव सैंपलिंग एंड कोटा सैंपलिंग हमारे पास हैं क्या, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं परपोजिव सैंपल। परपोजिव सैंपल हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं परपोजिव सैंपल इज़ अ नॉन रैंडम सैंपल इन विच सेलेक्शन ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स इज बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपर्टाइज अबाउट द पॉपुलेशन। यहाँ स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं है, हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तो हमारा जो पर्सनल जजमेंट है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज बंदे का, वो सेलेक्ट करता है कि आपको कौन से सैंपलिंग यूनिट्स सेलेक्ट करने हैं और उन सैंपल यूनिट्स के बुनियाद पे आपने जो डिसीजन लेने हैं वो एक्सपर्ट बंदा जो होता है, पर्सन जो होता है, वो डिसीजन दे रहा होता है आपकी होल पॉपुलेशन के बारे में। अ प्रपोजिव सैंपलिंग इज लाइबल टू बायस टू बी इंट्रोड्यूस बाय द डेलिब्रेट सब्जेक्टिव चॉइस ऑफ द पर्सन। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो बायस्ड होता है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है जब हम केयरलेस दिखाते हैं, केयर नहीं करते हैं अपने डेटा को कलेक्ट करने में। अब वो कहते हैं जो डेलिब्रेट के जब हमने मेथड्स भी पढ़े थे कि किस वजह से बायस जो है वो किस वजह से आ सकते हैं, तो उसमें हमने फर्स्ट मेथड ये पढ़ा था डेलिब्रेट सिलेक्शन। डेलिब्रेट सिलेक्शन क्या होती है कि आज़ादाना सब्जेक्टिव चॉइस जो होती है कि आप आज़ादाना, क्योंकि हर इंसान की जो चॉइस है वो डिफरेंट होती है, बिकॉज़ वी हैव द रैंडमनेस इन हिज चॉइसेस। ठीक है, तो हम हर पर्सन की जो चॉइसेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो जो डेलिब्रेट सेलेक्टिव सब्जेक्टिव चॉइस होती है वो बायस का बायस बन सकती है, वो बायस्ड ला सकती है, इंट्रोड्यूस करवा सकती है हमारे डेटा में। As the purposive sampling is not based on the probability theory, there is therefore no objective method for measuring the reliability of the sample results, and hence the information gathered for such a sample cannot be made basis for statistical inferences. क्योंकि स्टूडेंट ये डिपेंड पर्सनल पर्सनली जजमेंट पर कर रही है, तो रिलाईबिलिटी जो हमारे पास होगी वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रही होती। तो हम कहते हैं कि हमारे पास देयर इज देयर फॉर नो ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर मेजरिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पल रिजल्ट्स, एंड हेंस द इंफॉर्मेशन गैदर फॉर सच अ सैम्पल कैन नॉट बी मेड अ बेसिस फॉर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेज। और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेज के लिए जो है ये सही तरीके से यूज़ नहीं हो रही होती, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड नहीं कर रही होती, तो जो हमारा सैंपल रिजल्ट्स होता है वो रिलायबल नहीं होता, उसमें बायस आने के चांसेस होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, बिकॉज वी हैव द डेलिब्रेट सिलेक्शन ऑफ द चॉइस सब्जेक्टिव चॉइसेस ऑफ अ पर्सन। परपोजिव सैंपलिंग हमारे पास ड्रॉबैक्स यही उसका है कि हमारे पास सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा होता। हाँ, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट प्रोवाइड करेगा अगर आप उसको बहुत ही केयरफुल और एक्सपीरियंस बंदा जो है वो डिपेंड कर रहे। जिस तरह इसकी एग्जांपल देती हूँ परपोजिव सैंपलिंग की, अगर हमारे पास एक मेलन्स हैं और उनका ट्रक आया हुआ है, तो उस ट्रक को जो हमने नोट करना है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक्सपर्ट बंदा होगा, वो उस ट्रक लोडेड को जो हमारे पास कहते हैं सैम्पलर इंस्पेक्टर्स होगा, वो होल लोड सिलेक्टेड में से डिफरेंट जगह में से मेलन्स को चूज़ करेगा और फिर उसको एनालाइज करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और उसकी बेस पे वो जो उसने चूज़ किए होंगे सैम्पल, उसकी बेस पे वो क्या करेगा, अपना रिजल्ट पेश कर देगा। तो हम कहते हैं ट्रक लोडेड सैम्पलर इंस्पेक्ट द होल लोड एंड देन select according to his expert subjective judgment those melons who has considered to be representative. So, purposive sampling जो है वो अपनी personal judgment पर आपको बताएगा कि क्या यहाँ पर जो full truck load होकर आए इसमें अच्छे melons हैं या नहीं है, वो इस बंदे की personal judgment पर depend करेगा। quota sampling क्या है, ये भी स्टूडेंट डिपेंड करता है पर्सनल जजमेंट पे, लेकिन यहाँ हम डिफरेंट सेगमेंट्स में पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं। आप सेगमेंट में कैसे डिवाइड कर देते हो, जैसे आप कोटा बना देते हो मैन एंड वुमेन का कोटा बना देते हो,
तो आप जब डिफ पॉपुलेशन को डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर देते हो, दैट इज़ कॉल्ड द कोटा सैम्पलिंग। हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग इज़ अ टाइप ऑफ जजमेंट सैम्पलिंग। ये किसकी जजमेंट सैम्पलिंग की है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो है एग्जाम्पल एक टाइप्स है। इट इज़ अ सैम्पल यूजली ऑफ ह्यूमन बींग इन विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड परपोजिवली फ्रॉम द सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन कोटर्स, जैसे कोटर्स ऑफ मैन एंड वुमेन होते हैं, अर्बन एंड रूरल हो सकते हैं, अपर एंड मिडल लोअर इनकम ग्रुप्स हो सकते हैं। दीज फैक्टर्स आर टर्म कोटा कंट्रोल्स। तो ये हमारे पास कोटर्स जो होते हैं जिनमें से हम सैम्पल कलेक्ट करते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इसमें भी बायस आने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि ये पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, पर्सनल चॉइस ऑफ इंटरव्यूअर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। एंड इंटरव्यूअर्स बीइंग ह्यूमन आर लाइकली टू लुक फॉर पर्सन हु आइदर शेयर सिमिलर ओपिनियंस और आर पर्सनली नोन टू देम आर कन्वीनियंटली लोकेटेड। तो यहाँ भी हमारे पास क्या है, पर्सनल जजमेंट यूज़ हो रही है, वो अपने पर्सनली इंटरव्यू लेके डिसाइड करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। कोटा सैम्पलिंग मे बी कंसीडर एज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इन विच सेलेक्शन ऑफ यूनिट्स विद इन अ स्ट्रेटा इज नॉन रैंडम। एडवांटेज क्या है कि ये चीपर है, वेरी क्विक इन्वेस्टिगेटर्स हैं, और ये वाइडली यूज़ हो रहा होता है पब्लिक ओपिनियन पूल्स और मार्केट रिसर्च सर्वे पे। आई होप स्टूडेंट आपको नॉन रैंडम सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो हमारे पास टाइप्स थी वो समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।